लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। सितंबर के पहले सप्ताह में बैंक केवल 2 दिन ही खुले रहेंगे। ऐसे में जरूरी है कि बैंक से जुड़े अपने सभी काम शनिवार तक निपटा लें। असल में अगले हफ्ते लगातार 4 दिन का अवकाश रहेगा। इससे बैंक से संबंधित काम प्रभावित हो सकते हैं। इस दौरान आम लोगों को एटीएम में कैश की परेशानी से भी जूझना पड़ सकता है। सितंबर महीने की शुरुआत में 2 सितंबर को रविवार के चलते बैंक बंद रहेंगे। इसके बाद 3 सितंबर को जन्माष्टमी की छुट्टी होगी। 4 और 5 सितंबर को पेंशन और अन्य मुद्दों को लेकर बैंक कर्मचारियों की हड़ताल है। इस वजह से बैंकों में कामकाज नहीं होगा। 6 और 7 सितंबर को बैंक खुलेंगे और काम होगा, लेकिन इसके अगले 2 दिन फिर बैंक में अवकाश रहेगा। यानी 8 को दूसरा शनिवार और 9 को रविवार की छुट्टी रहेगी। हड़ताल और छुट्टी के दौरान कैश की सप्लाई भी नहीं होगी। ऐसे में लोगों को कैश की परेशानी सामने आ सकती है। जन्माष्टमी की छुट्टी के बाद 4 और 5 सितंबर को यूनाइटेड फोरम ऑफ रिजर्व बैंक ऑफिसर्स अनएम्प्लॉयड एसोसिएशन के आह्वान पर हड़ताल की घोषणा की गई है। इस हड़ताल के चलते बैंकों में कामकाज नहीं होगा। ये हड़ताल पेंशन अपडेशन, पेंशन ओपनिंग सहित अन्य मांगों को लेकर बुलाई गई है। इन 2 दिनों में देश भर में बैंक अधिकारी कर्मचारी सामूहिक रूप से अवकाश लेंगे। इस तरह सितंबर के पहले 10 दिनों में 6 दिन बैंकें बंद रहेंगी और बैंकों से जुड़ा कोई काम नहीं होगा।